हरि ओम श्री राम अम्बज्ञ नाथ समय नाथ समय नाथ समय। अभी जो मंत्र गजन हम लोग कर रहे थे भक्ति भाव चैतन्य की परिपूर्ण स्थिति राइट है क्या, लेकिन ये मंत्र गजन सबको सबकी परिभाषा चाहिए, डेफिनेशन चाहिए। अ फ्यू थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन, यू हैव टू अंडरस्टैंड। उनकी परिभाषा करना, व्याख्या करना, डेफिनेशन देना बहुत कठिन होता है, समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जानना बहुत आसान होता है। देखिए आजकल ये जो लोग इतने सब खड़े हैं, कितने लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, स्मार्ट मोबाइल्स, ओके वाइट ऑलमोस्ट 80% राइट। मोबाइल सेलफोन्स कितने लोग यूज करते हैं, सभी गातों पर हो गए, स्मार्ट हो या नॉन स्मार्ट हो, मोबाइल्स जो यूज करते हैं इतने लोग, क्योंकि बस मोबाइल नहीं है तो ऐप्स का जमाना है। पहले तो ऐप्स मुश्किल से बनते थे, अब तो हर कोई ऐप बनाता है राइट। हमें खाना खाने को जाना है, हम लोग किधर जाते हैं, मोबाइल पे जोमेटो पर, टोमेटो पर, वोमेटो पर जाते हैं राइट। आई फाइंड आउट विच इज द रेस्टोरेंट, कहाँ जाना है, कहाँ नजदीक है, क्या क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है राइट। सो जान लेते हैं राइट किधर जाना है, किधर जाने के बाद कैसे जाना है, तो गूगल मैप आ जाता है, चलो भाई राइट लो, लेफ्ट लो, ऐसा करो ऐसा करो, ओके अभी इतना दूरी पर है, ट्रैफिक में इतना टाइम लगेगा राइट। बात करनी है तुरंत बात करनी है, झगड़ा भी करना है तो मोबाइल जैसी बात नहीं राइट। इमीडिएट कनेक्शन, इमीडिएट कनेक्टिविटी। मोबाइल क्या करता है, हमें कनेक्ट करता है। हमें केमिस्ट का शॉप्स खोजना है, वही मोबाइल हमें हेल्प करता है। उसी मोबाइल हमें केमिस्ट के शॉप से भी कनेक्ट भी करता है, हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन हो आप भेज देते हैं, दवा आ जाती राइट। आपको परचेस करना है तो आप अमेजोन पे जाइए और वो जितने सारे ऐप हैं वहाँ जाइए। क्या जो आप खरीदना चाहते हो, बाय करना चाहते हो, वो कहाँ किस दाम में है, किस स्थिति में है, कैसे है, पुरानी गाड़ी लेनी है, खटरा गाड़ी लेनी है, बेचनी है, जो भी है करना है, सब कुछ हमें फ़ोन देता रहता है राइट। यानी आजकल क्या हो गया है, एक मोबाइल और विद नेटवर्क अवेलेबल, ये नेटवर्क अवेलेबल होना बहुत जरूरी है राइट। नेटवर्क अवेलेबल नहीं है तो क्या फायदा, उस टुकड़े का क्या फायदा, कुछ भी नहीं, इट बिकम्स जस्ट अ मेटल पीस, ओके सोने का हो, चांदी का हो, प्लैटिनम का हो। इन ये हम जवाब तो सारे देता है हमें, मार्गदर्शन भी करता है राइट, किधर जाना है, कैसे जाना है, कौन सा ऑर्डर में जाना है, कौन सा हॉस्पिटल है, किधर हॉस्पिटल है, कौन सा डॉक्टर किधर प्रैक्टिस करता है, क्या प्रैक्टिस करता है राइट, उसकी अपॉइंटमेंट लेनी है नहीं लेनी है, पिक्चर्स के टिकट्स बुक्स करने हैं, ऑनलाइन में सीट रिजर्व करनी है, रेलवे का बुकिंग भी आजकल लोकल्स का भी हो सकता है राइट मोबाइल से। यानी सच सच सब कुछ हमें दिखाने वाला, कैसे इस्तेमाल करने, किस चीज का ये सिखाने वाला, हाउ टू ट्रैवल, कैसे हमें ट्रैवलिंग कर जाना है, बुकिंग करना है, किस दिशा में जाना है, कार कहाँ मिलती है, अभी कैब चाहिए तो कैब भी मोबाइल पर फोन करो, डायल करो, आ जाती है, कौन सी ओला उबेर को जो भी होगी राइट। यानी एक ही यंत्र है लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब हमें वहां मिल जाते हैं राइट। लेकिन नेटवर्क नहीं है कोई फायदा नहीं राइट। तो हमें क्या चाहिए, नेटवर्क सब जगह होना चाहिए राइट। ऐसा हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों 150-100 साल के बाद तो हो ही जाएगा। लेकिन समझो समुंदर में एक बोट जा रही है, टाइटैनिक राइट,
और डूब गई पानी में, नीचे नेटवर्क मिलने वाला मिल है हाथ में, तो भी किसको कॉन्टेक्ट करेंगे, किसको बुलाएंगे। तो ये जो स्मार्टफोन है ना, उससे भी बड़ा यूनिवर्सल स्मार्टफोन है ये मंत्र गजर। कहाँ भी हो हम लोग, किधर भी हो, नेटवर्क है ही। जिसका ये गजर है उसका नेटवर्क का चालीम है, चालीम, चालीम इज द ओनली वर्ड। तुम चाहे यान से इस यूनिवर्स के बाहर जाओ तो वहां भी वो नेटवर्क चल रहा है। आप कोई स्पेशल ड्रेस पहन के समुद्र के नीचे जाओ तो वहां भी ये नेटवर्क अवेलेबल है। जहां ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती यानी वैक्यूम है, वहां भी ये नेटवर्क अवेलेबल है। इसलिए वो तुम्हारा जोमैटो टोमैटो से लेकर रोड मैप तक सब कुछ जो कुछ है जीवन के हर कार्य के लिए, हर मीन्स हर, नो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इज द रूल हम लोग कहते हैं ना, एक्सेप्शन प्रूव द रूल, राइट। सो एक्सेप्शन प्रूव द रूल यहां नहीं है, यहां देर इज नो एक्सेप्शन, ओनली रूल ही रूल है। क्योंकि सत्ता उसके माँ की है, माँ जगदम्बा की है, और चलाने वाला वो है। तो उसका नेटवर्क सब जगह सब दिशाओं में सर्व कालों में रहता है। दूसरी चिंता है हमारा, हमारा स्मार्टफोन स्पॉइल हो गया तो, खराब हो गया तो, नेटवर्क है या मोबाइल ही खराब हो गया तो प्रॉब्लम है, या वो भी प्रॉब्लम नहीं। सो हमें जानना चाहिए कि हमें एक ऐसा स्मार्ट फ्रेंड मिला है जहां हम जाते हैं वह हमारे साथ रहता है, लेकिन उसको ले जाने की जिम्मेवारी किसकी है, वह जिम्मेवारी भी उसकी है, ये बोलो। अगर मैं भूल गया आज जब करने के लिए तो उससे उस दिन रात को उसका झगड़ा करो कि मैं भूल गया, तूने याद क्यों नहीं दिलाया, क्यों नहीं तूने मेरा कान पकड़ा, क्यों नहीं तूने मुझे लात मारी। ये स्पाइट विथ हिम, दैट इज अ बेटर वे आउट। ओके, जिम्मेदारी खुद के सर पर मत लेना। ओके, क्योंकि उसने जब एक बार स्वीकार किया तो किया, कोई ये चीज बदल नहीं सकता। तुम जितना चाहो कोशिश करके देखना। सो जान लो ये मंत्र गजर क्या है, हमारे साथ हमेशा हर जगह एक्टिव कनेक्टिविटी देने वाला। दिस इज द बेस्ट सेल फोन फॉर अस बिकॉज वी गेट कनेक्टेड टू हिम एंड हिज मदर थ्रू दिस। वो और उसकी माँ जगदम्बा के साथ ये मंत्र गजर हम कनेक्शन में रखते हैं। चाहे हम लोग सुन नहीं सके उसकी बात, फिर वो हमारी बात सुनता है और उसका जवाब वो शब्दों से नहीं देता, कृति से रहता है, कृति से। ही इज फॉर एक्टिव इंटरवेंशन, ध्यान में रखना दिस वर्ड्स। ये जो है कोई, जो कोई है एक एक, वो किस लिए है, फॉर एक्टिव इंटरवेंशन। आप लोग सोचिए सिर्फ आशीर्वाद देगा और हम जो चाहे करेंगे, नहीं। अगर एक बार आप लोगों ने उसे अपना मान लिया, वो एक्टिवली क्या करता है, आपके जीवन में आकर जो करना चाहता है करता है, आप चाहो या न चाहो, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, जो आवश्यक है जरूर करेगा। ओके, सो ये मंत्र गजर क्या है, ऐसा यूनिवर्सल सेलफोन है जो आपके जीवन को, पूरे जीवन को, आपके अस्तित्व को माँ जगदम्बा से और उसके पुत्र से जुड़े हुए रखता है, without any network, without any money, without any charging, okay, without any conditions। ये ध्यान में रखना, वो ऐसा है सबकी सब बातें जानता है लेकिन एक की बात दूसरे को कभी नहीं बताता, जो मोबाइल पे हो सकता है। तुमने फोन किया है, अंदर गए एक के लिए, वाइफ अपर देखती है किसको फोन किया था, राइट। ये बात वो नहीं करता, राइट। सो टोटल प्राइवेसी सिक्योर्ड,
सिक्योरिटी ना, तो कंप्लीट सिक्योरिटी है, तो ये मंत्र का इशारा ऐसा है राजा। आज की गैजेट की भाषा में लोग गैजेट्स की भाषा ही जानते हैं, ये ऐसा सेलफोन है वो खरीदा नहीं जा सकता, वो उसने हमें दिया हुआ है, हमें सिर्फ इस्तेमाल करना है। वो भी कैसे इस्तेमाल करने को नहीं आता तो उसे ही बोलने का, तो सिखा यार। अगर हम सीखने में हम लोग, मैं नहीं सीखने में कम हूँ, तो मेरी बुद्धि भी दे दे यार थोड़ी, मेरी बुद्धि भी कम है और भी दे दे ज़्यादा यार, फिर भी नहीं काम हो रहा, तो ही कर ले यार गजर मेरे लिए, बोल देना तो आकर देन, उसके बाद में वो जो करेगा वो होना चाहिए, ओके हो जाएगा। ये सच्चे दिल से बोलो, उसकी परीक्षा लेने के लिए, उसके इम्तिहान लेने के करोगे तो वो नहीं हो जाएगा। प्यारा से कहा, एक दिन भूल गए ना करने का, तो दूसरे दिन या उसी रात उसको बोल देना, ये क्या किया यार मैं भूल गया, मैं तो हूँ ऐसा पागल, तू तो पहला कान पकड़ सकता था, एक लाफा मारना मैंने को, ओके से दैट, ये बात कहना, ओके। सो कनेक्टिविटी इज परमानेंट, ओके। ये मंत्र के जो करता है वो उस पर प्यार करता है, उस एक पर, बिकॉज कनेक्टिविटी इज परमानेंट, चाहे इस देह में हो या उस देह में, या देह के बीच में लटके हैं, फिर भी कनेक्टिविटी है तो प्रॉब्लम नहीं। सो यूज करेंगे ये स्मार्टफोन को, नक्की 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 नक्की। लव यू ऑल, लव लव।